भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंची गई है। स्पेशल चार्टर प्लेन थी, भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंची चुकी है। 14वीं तारीखे भारत पाकिस्तान वच्चे महामुकाबलो है और आ महामुकाबला माटे पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी आवी चुकी है। होटल हयात में रोकाई है। हवे जे टीम जे छे ए भारतीय क्रिकेट टीम जेना पर नजर छे, भारतीय टीम पर, टीम इंडिया पर। आईटीसी नर्मदा में भारतीय टीम नु रोकाण छे। 14 ऑक्टोबर भारत पाकिस्तान वच्चे महामुकाब छो, ए पहला 13 तारीख एटले के शुक्रवार पण आ नेट प्रेक्टिस करशे। 11 वर्ष पछी अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान वच्चे आ मैच छे। 2023 में 8 मुकाबला अहमदाबाद में छे। आपणे जणावी दईए के भारत पाकिस्तानी जे मैच छे, आप जोई रह्या छो रोहित शर्मा कैप्टन, शानदार कैप्टनशिप करी छे, शानदार बैटिंग करी छे अफगानिस्तान सामे। त्यार पछी बुमराहे पण शानदार काले बॉलिंग करी हती, 4 विकेट बुमराहे करी छे। होम ग्राउंड छे बुमराह नो, तो त्यां आप जोई रह्या छो के एक पछी खिलाड़ियों आगमन थई चुक्युं छे। भारत पाकिस्तान नो महामुकाबलो अने ए पहला बन्ने टीमों, पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी आवी चुकी छे। आजे भारत नी टीम दिल्ली में जे अफगानिस्तान सामे मैच रमाई, त्यार पछी आजे आवी चुकी छे। अश्विन ने आप जोई रह्या छो, अश्विन जबरदस्त बॉलिंग करी छे। हालांकि बीजी मैच में टीम में सामेल अश्विने नहोतो करायो, पण नजर छे हवे पाकिस्तान सामे, तो पाकिस्तान सामे जे मैच छे आखा विश्वनी नजर छे। भारत पाकिस्तान नी मैच ज्यां ज्यां भारतीय वसे छे ए तमाम लोग आ मैच जोवा आतुर छे। कोहली ने आप जोई रह्या छो, तो भारतीय टीम नु आगमन, पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी आवी छे। आजे भारतीय टीम आवी छे, काले नेट प्रेक्टिस पण मैदान पर करवानी छे। भारत नी टीम अमदावाद एरपोर्ट थी रवाना थई चुकी छे। आ तस्वीरो तमे निहाळी सको छो के विराट कोहली तमने तस्वीरो मां जोवा मळी सके छे। हार्दिक पंड्या तेना पुत्रनी साथे आगळ बेठा छे। विराट कोहली तमे तस्वीरो मां जोई सको छो। तमाम खेलाड़ियों सिराज थी लईने तमाम खेलाड़ियों जे छे ते अमदावाद एरपोर्ट पहोंची चुक्या छे। अमदावाद थी आ तमाम खेलाड़ियों जे छे ते आईटीसी नर्मदा माटे चुस्त पोलीस बंदोबस्त वच्चे रवाना थई चुक्या छे। पाकिस्तान साथे अमदावाद मां नरेन्द्र मोदी स्टेडियम मां आ तमाम खेलाड़ियों 11 वर्ष बाद मैच रमवाना छे अने भारतीय धरती पर 7 वर्ष बाद आ तमाम खेलाड़ियों पाकिस्तान साथे मैच रमवा जई हवे अमदावाद जे छे ते पहोंची चुक्या छे। महामुकाबलो आ अमदावाद मां योजावानो छे। पुलिस नो चुस्त बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे तमाम जग्याए। अगर हयात नी वात करीए ज्यां पाकिस्तानी टीम रोकाई छे त्यां पण चुस्त बंदोबस्त छे। आईटीसी नर्मदा ज्यां भारतीय टीम रोकाशे त्यां पण चुस्त बंदोबस्त छે। એરપોર્ટ પર પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત હતો અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની સુરક્ષા પણ 3-4 લેયરમાં ગોઠવી દેવામાં આવી છે। તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। હવે ભારત માત્ર ને માત્ર ભારતીય દર્શકો રાહ જોઈ રહ્યા છે 14 ઓક્ટોબરની, જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થશે। અમદાવાદથી કેમેરા પર્સન અરવિંદ સાથે તે વિટલાની ઝી મીડિયા। तो भारतीय टीम आवी चुकी है, आप जोई रह्या छो पूरता पोलिस बंदोबस्त वच्चे। बुमराह ने आप जोई रह्या छो, अफगानिस्तान में 4 विकेट बुमराहे झड़पी है, तो बुमराह पर पण नजर रहेशे। त्यार पछी एक पछी एक खिलाड़ी आवी चुक्या है, आखी टीम आवी है। अने सवाल है कि शुभमन गिल ऑलरेडी आवी चुक्यो है, तो शुभमन गिल शू रमशे? स्पेशल चार्टर प्लेन थी भारतीय टीम अमदावाद आवी चुकी है, जेना पर नजर है ए रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर, अश्विन आप जी रहा। हालांकि अफगानिस्तान सामे मैच में अश्विन ने टीम 11 में स्थान नहोतुं मळ्युं, पण हवे जोईए छे के जे पीच छे स्पिनरो वधारे फावशे, तो शुं बे स्पिनर साथे मैदान? विराट कोहलीने आप जोई रह्या छो, विराट कोहली, त्यार पछी एक पछी एक खिलाड़ी आप जोई रह्या छो। जबरदस्त फॉर्ममां भारतीय टीम, बंने मैचो जीती चूकी छे भारतीय टीम। अने जे रीते आगाज थयो छे ऑस्ट्रेलिया सामे, ऑस्ट्रेलिया ने मात आपी, त्यार पछी अफगानिस्तान ने मात आपी, अने हवे मात आपवानो समय जे छे पाकिस्तान ने छे। आप जोई रह्या छो हार्दिक पंड्या, लोकल बॉय हार्दिक पंड्या, आप जोई रह्या छो। तो आईटीसी नर्मदा में भारतीय टीम रोकाण है। 14 तारीखे भारत पाकिस्तान वच्चे महामुकाबलो छे। हालांकि टीम आवी गई छे, राहुल द्रविड ने आप जोई रह्या छो, टीम आवी चूकी है। तो 13 तारीखे प्रेक्टिस पण करवाना छे। आईटीसी नर्मदा में जे भारतीय टीम रोकाण करी रही है, त्यांथी उदय रंजन अपनी साथ जोड़ाई गया छे। उदय, एक महामुकाबलो आखा विश्वनी नजर भारतनी साथे, ज्यां ज्यां भारतीय रहे छे एनी नजर भारत पाकिस्तानना मुकाबला पर छे। क्यों माहौल छे, भारतीय टीम त्यां पहुंची चुकी छे? उदय, जरूर थी थोड़ा समय पहला ते भारत टीम जे छे अत्यारे आईटीसी नर्मदा होटल जे छे ए होटल नी अंदर पहुंची छे, अने
પોતાની સાથે લોકો જે છે આપણે જે થોડા સમય પહેલા જ્યારે ટીમ નહોતી પહોંચી એ પહેલા પણ આપણે કીધું હતું કે અહીંયા ચાહકો જે છે એ એકત્રિત ધીમે ધીમે થઈ રહ્યા છે અને હજી પણ ચાહકો જે છે એ થોડા થોડા નજરે પડી રહ્યા છે. ટીમ તો અંદરની તરફ જતી રહી છે પરંતુ લોકો માત્ર ને માત્ર એક ઝલક નિહાળવા માટેથી અત્યારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આઈટીસી નર્મદાનો જે ગેટ બંધ કરેલો છે આ ગેટ ઉપર અત્યારે તમામ લોકો ઉપસ્થિત છે અને અંદરની તરફ નજરે કંઈ નથી પડી રહ્યું પરંતુ તેમ છતાં પણ એક ઝલક જોવા માટેનો પ્રયત્ન જે છે તમામ ચાહકો કરી રહ્યા છે અને આ દ્રશ્યો આખે આખા આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ આઈટીસી નર્મદા હોટલ બહારના દ્રશ્યો છે. બીજી તરફ પોલીસનો બંદોબસ્ત તમને હું દેખાડીશ આખરે કે પોલીસનો સ્ટાફ જે છે પણ અહીંયા તહેનાત છે ક્યાંક ને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે માટે. તો આ આખે આખા દ્રશ્યો આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે એ આઈટીસી નર્મદા ખાતેના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં ભારતની ટીમ જે છે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચેનો જે મહામુકાબલો કહી શકાય અને ખૂબ જ મહત્ત્વની મેચ કહી શકાય જેની ઉપર તમામ ક્રિકેટ રસિકો તો ખરા જ પરંતુ વિશ્વની જે છે નજર છે અને તે રમવા માટે જે છે અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે. જનક બિલકુલ બિલકુલ આભાર ઉદય. તો આપ જોઈ રહ્યા છો આઈટીસી નર્મદાથી આ હાર્દિક પંડ્યાનો જે દીકરો જે છે આપ જોઈ રહ્યા છો